अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। बिल आखिर पनामा जेआईटी की हतमी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद से हमने देखा है कि अदालत उज़्मा ने इसकी जो समाअत है अब सोमवार तक यानी कि अप्रोक्सीमेटली पूरे एक हफ्ते तक 7 दिन तक मुलतवी की है। रिपोर्टेडली तकरीबन 500 सफात पर यह जो रिपोर्ट जेआईटी की, पनामा जेआईटी की मुश्तमिल है, इसको पब्लिक किया जाएगा। इसकी तमाम फाइंडिंग्स को, इसके फैक्ट्स को, इसके कंटेंट्स को तमाम पार्टीज को, दोनों पार्टीज को डिस्प्ले किया जाएगा ताकि वो अपनी हिकमत अमली इसकी बेसिस पर बना सके। साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसकी तश्कील में जितना एफर्ट लगा है, जितना ह्यूमन ट्रायल लगा है, उसकी बात करना भी इस मौके पर बेहद जरूरी है, क्योंकि आज इसको फाइनलाइज कर लिया गया है जेआईटी की तरफ से। और इसकी तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की जो फर्स्ट फैमिली शरीफ फैमिली है, उनके तकरीबन तमाम अफराद, तमाम मेंबर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें शामिल की गई हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब, उनके दोनों साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब, साथ में उनके कजिन तारिक शफी साहब, उनके समदी और फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर रिफात दास साहब और उनके दोस्त जावेद क्यानी साहब, ये तमाम लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट पर मुश्तमिल ये 500 तकरीबन सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट फाइनलाइज करके आज सुप्रीम कोर्ट सबमिट करा दी गई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात की जा रही है और जो एतराज भी उठाया जा रहा है अब हुकूमत की तरफ से, वो यही है कि इसको स्टिल बॉन करार दिया गया है हुकूमती मौकफ में और उनकी नजर में, उनके पर्सपेक्टिव में, क्योंकि फॉर्मर कतरी प्राइम मिनिस्टर और कतरी शहजादे शेख हमाद बिन जासिम की जो स्टेटमेंट है, इसमें बाकायदा इस पर स्ट्रेस होने के बावजूद भी, बाकायदा इस पर फोकस रहने के बावजूद भी, और हुकूमत का इस पर इन्हिसार था, जिस तरह से कतरी लेटर्स भी सबमिट कराए गए थे, तमाम चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि उनकी स्टेटमेंट के बगैर इसको इनकन्क्लूसिवली कंक्लूड किया गया है और जेआईटी को, जेआईटी ने ये जो तमाम रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अब पेश करा दी है और इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर इसी सियासी गर्मा गर्मी पर और इस तस्वीर पर हम लोग नजर डालें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो 5 रुकनी ट्रिब्यूनल है उसमें भी हम देखते हैं कि पीटीआई चीफ इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने का, उनको नाअहल करार देने के लिए दो बेसिस या दो ग्राउंड्स पर जो उनका मुकदमा है वो भी जारी है। एक तो जो तौहीन अदालत की उनकी समाअत है वो भी जारी है और साथ साथ बैरून मुल्क फंडिंग का जो केस है जिसके ऊपर भी उनकी तरफ से भी एक मनी ट्रेल मुंतजर है, उसकी भी बात जारी है। लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि पीटीआई चीफ इमरान खान साहब की यहां पर गैर मौजूदगी, उनका एब्सेंशिया यकीनन बायस तशवीश है, जबकि इसी तरह का एक दूसरा जो ब्लेम गेम है वो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ किया जा रहा है फ्रॉम द सेम पार्टी, दैट इज द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। और अब इसके बाद जब हम मुआशी जो मंजरनामा है उसके ऊपर नजर डालें तो वो सबसे ज्यादा वरेसम, सबसे ज्यादा परेशान को नजर आता है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते, सेकेंड हाफ पूरे पिछले हफ्ते का, हमने एक बड़ा ड्रास्टिक शार्प डिक्लाइन और डाउनवर्ड स्पाइरल देखा पाकिस्तान रुपी की कदर में। ये एक अचानक से जो एक सिचुएशन सामने आई और यकीनन हम तमाम एतबार से बायस तशवीश बनी कि एक तरफ तो सियासी मंजरनामा इस तरह से है और इतनी टेंशन का बायस है, उसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी एनर्जीज हैं, जितना भी फोकस है सियासी एतबार से और सियासी सर्कल्स के एतबार से, जहां पर होना चाहिए, जिन नेशनल कॉजेज पे होना चाहिए, जिन मुआशी कॉजेज पे होना चाहिए, वहां पर नजर नहीं आता है, बल्कि एक अननेसेसरी ब्लेम गेम पर नजर आता है। ऑन द अदर हैंड इसकी जो दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं वो एक पाक रुपी की डिप्रिसिएशन की शक्ल में सामने आई है, जिसके बाद फौरी तौर पर 10 दिन के अंदर अंदर एक तहकीकाती रिपोर्ट सबमिट कराने का हुक्म दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हमने देखा कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनको भी फौरी तौर पर तारिक बाजवा साहब को अपॉइंट किया गया बतौर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर। ये तमाम चीजें, कुछ स्टेप्स फौरी तौर पर एब्रप्टली लिए गए ताकि इस पूरे फिनोमिनन को कंटेन किया जाए और इसी मौके पर रोक लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर होलिस्टिकली बात करना जरूरी होगा। हम जानते हैं कि जब वेन इट कम्स टू पनामा केस या जब हम लोग सियासी इस वक्त मंजरनामे की जाने बात करते हैं या उसके ऊपर रोशनी डालते हैं, हुकूमत का मौकफ भी एक जगह है और इसमें अगर परसेप्शन की, वाइड परसेप्शन की बात कर रहे हैं हम, तो अवाम का परसेप्शन एक बेसिस पर मबनी है जो कि ज्यादातर मीडिया बेसिस पर मबनी रहता है। उसमें भी दो हल्के हैं, दो हल्का अहबाब है जिनके ऊपर हम लोग रोशनी डालेंगे, लेकिन जो इसके टेक्निकल फिगर्स हैं और ये पूरा जो केस है जो फाइनेंशियल या मालियाती अहमियत का हामिल है, उसके बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो बरक्स हैं। जरूरी ये है कि इस वक्त अवाम को इन तमाम फैक्ट से आगाह किया जाए, इसके मालियाती पहलुओं से आगाह किया जाए, इसके तकनीकी पहलुओं से आगाह किया जाए, ताकि ये जो एक लैप्स है या एक जो एक ब्रिज नजर आता है जो कि कवर नहीं हो पा रहा है इन दो परसेप्शन, इन दो स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान, उसको ब्रिज करने का काम यकीनी तौर पर जरूरी होगा और इसी की तरफ हमारा आज फोकस रहेगा आज की पूरी गुफ्तगू में। मेरे साथ जो पैनल तशरीफ फरमा है इस वक्त कराची स्टूडियोज में भी, बेहद प्रोमिनेंट पैनल, और उनके जो तकनीकी पहलुओं हैं पूरे बात के और पूरे जो इस
केस है इसके हवाले से उनका जायजा लेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, और ना सिर्फ इस पूरे केस के जो मालियाती पहलू है वो आपसे जानेंगे, बल्कि इसके अलावा जो पाक रुपी डिप्रीसिएशन का फिनोमिनन है उसके हवाले से भी आपसे बात रहेगी। तालिक मजीद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, सहाफी हैं आप, और आपके जो जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव हैं उनसे हम लोग मजीद आगाही हासिल करेंगे कि तमाम चीजें जो जर्नलिस्टिक या मीडिया हाउसेज की तरफ से पोर्ट्रे की जा रही है, आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा वाजे किस्म का इस पर एतराज उठाया गया कि और एक मीडिया गिमिक का इस पूरी चीज के बाद कल्मिनेट होना, यह भी यकीनन बाइस से तशवीश है, चाहे वो दोनों इतराफ से कहीं से भी नजर आती हो। सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ग्रेस किया है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो पीएमएलएन, हुकूमती मौकफ के लिए उनसे बात की जाएगी कि तमाम तरह अब जो सिनारियो पेश होता हुआ नजर आया है और जो इवॉल्व भी अब होगा ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ 7 डेज हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, इसमें क्या हिकमत अमली रहेगी। फोन लाइन पर हमारा साथ देंगे सेनेटर डॉक्टर कयूम सुमरो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, और पीटीआई से हमारा साथ देंगे सेनेटर शिबली फराज साहब, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे, उनके भी मौके से पूरी बात के वाले से, और खसूसन जो ईसीपी में पीटीआई चीफ इमरान खान साहब का भी मुकदमा जेरे गौर है उसके बारे में बात की जाएगी। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आर पैनलिस्ट, डिस्कशन कैसा लगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ना भूलिएगा। बट टू बिगिन विद डॉक्टर शाहिद, आपसे आगाज करूंगी सर पूरी बात का, दोनों एतबार से हम देखते हैं कि फाइनेंशियल और इसके जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बेहद अहम है, इनके ऊपर आप कैसे रोशनी डालेंगे? जी पहले मैं आपसे यह कर दूं कि जहां जिस कौम में या जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है, और जो कौमें अदलिया का एहतराम नहीं करती वो भी तबाह होती है। लेकिन उसके साथ साथ अदलिया की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और ये इंश्योर करना होता है कि एहतसाब का जो भी अमल है वो शफाफ हो और जो है इम्तियाजी सेलेक्टेड ना हो। हाँ, और इससे बहुत बेहतर होता अगर ये शुरू में ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता कि जो कुछ भी अदलिया को काम करने दें, लेकिन उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और रात को जो दरबार सजते हैं, कोई एक हफ्ते में कई सौ टॉक शोज हो जाते हैं, उसमें उसके सियासी और कानूनी पहलुओं पर बात की जाती है, वो ना करें वो तो केस जब आएगा उसके बाद कर लें, ये हो जाता तो बहुत बेहतर था। दूसरी बात ये कि हमें ये सोचना है कि ये खेल क्या है, क्या इसका मकसद एहसार है, क्या इसका मकसद कौमी दौलत जो लूटी गई है उसको लाना है, या इसका मकसद इख्तदार हासिल करना या गिराना है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं इसका मकसद एहतसाब नहीं है, इसका मकसद लूटी हुई दौलत वापस लाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है सियासत सियासी मुफादात हासिल करना। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये साबित भी हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि आपने हमारे कहा अभी ये हुकूमत मजबूर हो गई कि वो टैक्स एमनेस्टी लेकर आई प्रॉपर्टी के लिए, वो इसलिए लाए, मगर इससे पहले अगर आप बता दें जुमला में बोल दूं, पनामा को अगर एक जुमले में कहा जाए तो ये है कि वजीर आजम साहब से ये पूछा जा रहा है कि आपके बच्चों ने जो प्रॉपर्टी लंदन में बहुत पहले बनाई थी तो पैसा कहां से आया। लेकिन आज जब चारों सूबों ने खुसूसन तहरीक इंसाफ ने उनके मंशूर में था कि हम डीसी रेट को मार्केट रेट पर लाएंगे, है लिखा हुआ है, बिल्कुल उन्होंने उसको इनकार कर दिया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी माफिया है जो ताकतवर तबके हैं वो नहीं चाहते थे कि वो, तो ये कानून वफाक को बनाना पड़ा कि डीसी रेट और एफडीआर के रेट का जो डिफरेंस है वो अगर रिश्वत के पैसे का है, भत्ते के पैसे का है, उससे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। राइट, अब सुप्रीम कोर्ट भी शायद ये पूछ लेती, इतना अर्था हो गया कि भाई आप तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो पहले खरीदी गई थी वो उसके पास आया, आज जो है आप नया कानून बना रहे हैं, और मेरा अपना अंदाजा ये है कि 6 दिसंबर से अब तक 2300 अरब का रुपए का नुकसान हमने पहुंचा दिया, क्योंकि चोरी के रिश्वत के पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। लॉ ये है कि इनकम टैक्स उनसे नहीं पूछ सकता, तो अब इस पर नया बाहर के जो हमारे सरमायाकार हैं वो हंस रहे हैं, जो मगरबी सरमायाकार हैं बैंकर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं यार आपका क्या मुल्क है, खैर मैं उनको जवाब देता हूँ मगर दिल में मेरी भी चोर है, कि बात तो सही कर रहे हैं वो, एक तो ये हो गई। दूसरा ये था कि आज भी ऐसे कानून मौजूद हैं जिसके तहत चोरी का पैसा कानूनी तरीके से बैंक से मुल्क से बाहर जा रहा है। तो पहला काम तो ये था कि अगर किसी को डर था, आप कोर्ट में गए थे तो पहले तो आप ये कहते हैं कि जनाब ये कानून तो बदल दो, पहले कानून साजी की तरफ तो आया जाए ना, ये मुतालबा ही कर लेते कि जी वो नहीं कर रहे, इसलिए कि उससे उनके जो उनके अपना नुकसान होता है। तो तीसरी बात जो लोगों को अब कौम को समझ लेनी चाहिए कि कई महीने से जो पनामा का खेल हुआ है, अगर ये अदालतों को करने देते और ये सब ड्रामा नहीं होता तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो नुकसान अभी आपने बड़ा अच्छी तब बात कही कि ये नुकसान रुपए की कदर गिर गई या स्टॉक एक्सचेंज में, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मईशियत को जो नुकसान हुआ है
उसके आपको नुकसान आने वाले बरसों में नजर आएंगे। ये जो कुछ झटका हमें लग गया है, जो पाकिस्तान से बाहर गई है, पूरे कौम एक दूसरे को चोर कर रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा खराब ये हुआ कि अब ये मुझे लगता है कि 2018 के इंतखाबात इस दौरान में जो कुछ कंपेन चलेगी वो नफरत की बुनियाद पर चलेगी, इल्जाम तरवाशियों की चलेगी, ब्लेम गेम्स पर चलेगी। ये जो मसाइल थे मुल्क की मईशत के, इस्तेहकाम के, खारजा पॉलिसी के, मुल्क को तरक्की देने के, दुश्मनों से निपटने के, वो सब पीछे चले गए। और इस तरीके से अगर आपने इलेक्शन लड़ने हैं, और ये भी वाजह हो गया कि 62-63 को मैं एक जुमला अगर आप कह दें, मुझे ये सदमा इस बात का है, अभी पिछले दिनों बड़ा तमाशा हो रहा था जमशेद दस्ती का, मैं आपको ये बता दूं, सबको पता है हमारे आपके पैनल में सब समझदार लोग हैं, उनके ऊपर वो इल्जाम ये था कि जब पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की कंडीशन थी तो उन पर इल्जाम ये था कि उसने जाली डिग्री टेम्पर करके अदालत में जमा करा दी। अब वो अदालत ने उनको नाहल करा दे दी, उसको रिसीट कर दिया गया, आपकी डिग्री आपने जालसाजी की है। उसके बाद वो जेन्युइन था, नहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट का मैं आज कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होता है वो कौम की प्रॉपर्टी है। मैं चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त उनसे पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जब आपने उनको रिसीट किया, उनको ये नहीं कहा कि आप अपने आइंदा के लिए भी नाहल हो गए, आपने डिग्री जाए, वो तो कोर्ट को जाना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट को, उसका नतीजा ये हुआ कि बीए की कंडीशन खत्म हो गई और वो शख्स 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तक वो ट्रिकल डाउन होना चाहिए था पूरा केस। नहीं, आप उसको ट्रायल कोर्ट को भेज के डिस्क्वालीफाई कर, राइट, नहीं आप तो वो तो क्रिमिनल केस था, आपने जाली डिग्री बनाई है, अब वो आज लीडर बन गया और वो हमारा टॉक शो हो रहा था उसको रोक के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा। मैं सर मुझे अगर थोड़ा सा आप अलाउ करें ना, उसमें सिर्फ उसकी बेसिस पे था कि जी किस कंडीशन में उनको रखा गया है, वो एक बात की जा रही है, मतलब क्यों ना चाहिए तरफ, राइट, ये बिल्कुल सर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो, ये बिल्कुल आपकी लेजिट बात है। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, जिन आपने जो भी रेपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेज की बात की है, सबसे बड़ी इसमें बात जो डॉक्टर शाहिद जिसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आए हैं कि इसमें लेजिस्लेशन क्या की गई, अगर वाकई इतनी फिक्र थी ऑपोजिशन जमातों को तो इसके लिए लेजिस्लेशन क्या की गई कि आइंदा आने वाले दिनों में और फ्यूचरिस्टिकली पाकिस्तान में तमाम चीजें कंटेन हो पाए, चाहे वो मनी ट्रेल की बात हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र हो, इस पे तमाम के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई करना, इसके हवाले से क्या किया गया। फिजिकल फारूक साहब आपकी जानब आऊंगी, अब आपसे पूछना बड़ा जरूरी होगा, आप इससे कबल भी हमारा साथ दे चुके हैं लेकिन अब जाहिर डिसाइसिव फेज आ गया है, 7 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी समाप्त करेंगे पैनामा केस की, और जीआईटी के ऊपर जो उनकी बात है वो हम देखेंगे, फिर एक और कंक्रीट मौकफ इख्तियार करेगी, इन 7 दिनों में क्या हिकमत अमली सर हुकूमत की तरफ से एक्सपेक्ट की जाए? शुक्रिया मोना, पहले तो मैं डॉक्टर शाहिद साहब की बातों को अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं, और जो नुकसान हुआ है पाकिस्तानी मईशत को, स्टॉक एक्सचेंज को कदरे जर में यानी डिवेल्यूएशन की वजह से, ये वाकईतन बहुत बड़ा नुकसान है, और इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि इसका मकसद कोई रिकवरी या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था ना है, मामला कुछ और है, और पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान ने इक्तिसादी तौर पर टेक ऑफ करने की कोशिश की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो 90 में नवाज शरीफ की ओपन मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे वो 99 के इकदाम हो, और चाहे इस वक्त हो, और एक बेयकीनी की सजा पैदा मुसलसल की जाती रही है, और ये बहुत बुरा है और ये साजिश है। दूसरी बात, आपने कहा हमारी हिकमत अमली हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की क्या होगी, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। हमारा मुतालबा था, एक जज साहब ने कहा था कि हम इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हमने कहा कि नहीं इसे पब्लिक करें, लेकिन हमारा वो जो मौकफ है वो अपनी जगह है कि जेआईटी बिल्कुल मुतनाजा इदारा बन गई थी और इससे इंसाफ की तवक्को करना मुमकिन नहीं, उसकी वजूहात हमने बता दी। अब ये जो 10 वॉल्यूम है इसके, जितने भी सफात हैं, उसमें अब भी जीआईटी कहती है कि जी एक जो वॉल्यूम है उसको तो कॉन्फिडेंशियल रखें, क्योंकि उसकी बुनियाद पर इंक्वायरी आगे बढ़ सकती है। जब वो ये कहते हैं तो गोया ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, ये बात भी, यानी हम इसको स्टडी करेंगे कानून के मुताबिक, इस पर एतराजात हमने जमा कराने हैं, हमारे वो कलान है, फिर उन एतराजात पर तहरीके इंसाफ या दूसरी पार्टियों के जो वकील हैं वो एतराजात करेंगे, उसके बाद
उस पर जिरा, लेकिन जिन्होंने ये जेआईटी के जो मेंबर हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है वो अदालत में आएंगे, जिन्होंने दस्तखत किए उन पर भी जिरा हो। एक बात जो और अहम है वो ये है कि एससीसीपी के चेयरमैन पर जो एफआईआर दर्ज करने की बात की गई, अगरचे मैंने उस डायरेक्टर की वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है ए टू जी, वो बता रही हैं, लिख के दे रही हैं तहरीरी तौर पर कि ये सारा काम कानून के मुताबिक हुआ, और 2011 या 12 साल मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त वो केस मुकम्मल हो गया, उस पर कंक्लूडिंग पैरा नहीं लिखा हुआ था। वो कंक्लूडिंग पैरा लिखने के लिए हम पर बड़ा दबाव डाला चेयरमैन ने कि इसे कंक्लूड कर दें, अब ये तो लिखना ही था। ताजा तरीन खबर आप तक पहुंचाते चले कि जीएचक्यू रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दरअसदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या अहम मामला पर बात हुई, कौन सी उमूर जेरे को आ रहा है, मजीद बात करने के लिए जाने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना शहजाद। सलाम राना शहजाद, जीएचक्यू रावलपिंडी में अहम इजलास हुआ है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या एजेंडा था, क्या बात हुई, क्या मामला तय पाए? जी हुमैरा, जीएचक्यू रावलपिंडी में आज 202वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में हुई। इजलास में जियो स्ट्रेटेजिक सलामती की सूरत बिलखसूस अफगानिस्तान और मशरक वस्ती के तनाजर में तमाम अमूर का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनका भी तफसील से जायजा लिया गया, और इजलास के शुरका ने पाकिस्तान के कौमी मुफाद में मुस्बत किरदार जारी रखने के अजम का इरादा किया। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, अफगानिस्तान के साथ बेहतर सरहदी इंतजाम के लिए अस्करी रवाबत का भी तफसील से जायजा लिया गया, और इस हवाले से ये तय किया गया कि दाखिली सलामती सूरत हाल के हवाले से जो पाक फौज है वो अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। इजलास में मुमकिन सैलाब के हवाले से रिलीफ ऑपरेशन की तैयारियों का भी जायजा लिया गया, और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में फौजी दस्तों की तैनाती के मंसूबे पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज जो है वो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में सिविल अदारों के साथ मुकम्मल तावन करेगी। जी अच्छा राना शहजाद, हम देख रहे हैं कि भारत बार बार दरअंदाजी कर रहा है, एलओसी की खिलाफवर्जी कर रहा है, और भारतीय जहरीत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत दी रखती है, तो आप इस हवाले से कहते हैं कि डीजीआईएसपीआर की तरफ से बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, ये जो रात ही डीजीआईएसपीआर ने एक समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम के जरिए ये इंतबाह जारी किया है कि जो कंट्रोल लाइन पर भारत की मुसलसल बिलाश्तियाल फायरिंग है, जो खासतौर पर सिविलियन आबादी है उसको निशाना भारत बना रहा है, और 8 जुलाई को भारतीय फौज की फायरिंग से जो 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए उसके जवाब में कल पाक फौज ने जो भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई में भारतीय फौज के 2 चेक पोस्ट से तबाह हुई और 4 भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई। आईएसपीआर के मुताबिक जो है पाक फौज वो पाकिस्तान की सिविल आबादी को भारतीय जारियत से हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, और इस हवाले से तमाम जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम, आपने हमें आगाह किया। जीएचक्यू रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दरअसदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और जियो स्ट्रेटेजिक सलामती की सूरत हाल पर गौर हुआ है। ये थी अब तक की पीटीवी ताजा तरीन। जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत।
ये तो सुरखरू हो गए हैं। अब फैसला नवाज शरीफ साहब के खानदान के हक में आए या खिलाफ आए, उन्होंने अपने आप को, अपनी पूरी नस्लों को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पाकिस्तान में एक नई तारीख तो लिखी जा चुकी कि जी एक ऐसा हुक्मरान आया जिसने अपने आप को पेश किया। अच्छा, उन्होंने उसी दिन से कहा था कि आप कमीशन बना लें, आप कोर्ट के लिए जजों को ले आए या रिटायर्ड जजों को ले आए। उस वक्त नहीं माना गया, उस वक्त तो चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि हमारा मामला नहीं है अनवर सईद जमाली साहब ने। बाद में जब लॉकडाउन, इस्लामाबाद की बातें होने लगी, खुफिया हाथ इसमें एक्टिव होने लगे, तब जाके ये मामला आया कि जी ठीक है इसको सुनते हैं। और सुनने के बाद ये कहा गया कि ठीक है जेआईटी बनती है। जेआईटी को, जेआईटी का काम क्या था? जेआईटी का जो मैंडेट था, अगर उसने अपने मैंडेट से हटकर काम किया है, उससे तजावुज किया है, तो उसके ऊपर तो जिरा होगी, उसमें तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और मेरा ख्याल है कमीशन बनना चाहिए। अच्छा सालिक साहब, चलिए कमीशन बनना चाहिए, यानी कि हुकूमत को बाख्तियार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो अपना ये अख्तियार मैंडेट इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ईसीपी का जो 5 रुकनी ट्रिब्यूनल है, इसके ऊपर भी बताइएगा। यहाँ जो इमरान खान साहब पीटीआई चीफ के हवाले से जितनी चीजें जेरे गौर है, वहां पर उनकी अपेयरेंस अब तक सामने क्यों नहीं आती, क्यों नजर नहीं आती, और इसका आप क्या आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं या सियासी हल्का है बाद में क्या? बड़ा सिंपल है, इसमें इमरान क्या करते थे कि जी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो केस है 5 मिनट का, वहां और बता दें कि जी ये मैंने फ्लैट खरीदे थे और ये मैंने दौलत यहां से यहां तक भेजी थी, ये उसकी मनी ट्रेल है। यही बातें जाके इलेक्शन कमीशन में बतानी थी, 5 मिनट का केस था। और इमरान खान साहब वहां पे कितने अच्छे से भाग रहे हैं, अब तो सालों की बातें हो गई हैं। पहले वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आड़ लेके छुप गए, वहां से स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश की गई, अब वहां जाके दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं। आज बाबर अवान साहब और ये वकील भी तो वो चुन चुन के ला रहे हैं जो कहते थे नोटिस मिला टक ना हिलिया, ये वो वकील हैं। ये अदालतें भूल गई हैं कि इन वकीलों को जब नोटिस दिया जाता था तो ये अदलिया की किस तरह की तौकीर करते थे। तो ये तो सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अवाम का हाफजा इतना कमजोर नहीं है। कल जो इलेक्शन आया कराची में, उसका जो रिजल्ट आया, उसने बता दिया है कि जितनी भी इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज हैं उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो कराची का इलेक्शन था या हंजा का इलेक्शन था। जो आप कह रहे थे कि जी पीटीआई जो है तब्दीली लेके आएगी, कराची में 4th नंबर पे आई है, उसको तो वोट ही नहीं मिले। पब्लिक मूड देख लें, पब्लिक सेंटीमेंट देख लें और फैक्चुअल चीजें देख लें। लोग देख रहे हैं कि कौन पाकिस्तान में काम कर रहा है और कौन पाकिस्तान में रखने डाल रहा है, रुकावटें डाल रहा है, लोगों को सिर्फ सड़कों पर लेके आ रहा है और रिजल्ट कुछ नहीं है। 4 साल गुजर गए, हकायक पर मबनी अपना लोग और आवाम अपना मैंडेट उसी के ऊपर बेस करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जो PS 114 के इलेक्शन सेनेटर सईद गनी साहब जीते हैं, यहाँ पर साथे रहे हैं, उनकी पार्टी की नुमाइंदगी हमारे साथ थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नुमाइंदगी सेनेटर डॉक्टर कयूम सुंगरो साहब कर रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौके भी इस हवाले से जानते जुलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो जो सियासी एक गर्मा गर्मी और माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तरफ पैनामा जेआईटी, दूसरी तरफ इमरान खान का भी जो केस है जो ईसीपी के 5 रुकनी ट्रिब्यूनल पर मबनी है और वहां पर भी दो जो चीजें हैं वो इस वक्त जेरे समात है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह से फोकस हमें नजर आ रहा है कि पैनामा जेआईटी के ऊपर काफी ज्यादा है, वहां पर आप लोग बहुत प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के केसेस ईसीपी में जेरे गौर है, वहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का प्रेशर क्यों नजर नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो पूरे कराची के और एनटीएसएन के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कल की कामयाबी से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिस तरीके से, जिस शानदार तरीके से ये इलेक्शन जीता है, हमारी तरफ से भी मुबारक हो आपको। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। और जिस शानदार अंदाज से जीता है और लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, मैं समझ रहा हूँ पीपुल्स पार्टी के लिए भी और सिंध गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी आजमाइश है, क्योंकि लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है तो अभी उसके रिटर्न में सिंध गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है और इलाके के उस नुमाइंदे का भी ज्यादा फर्ज बनता है सईद गनी साहब का, कि उन लोगों का आप ज्यादा ख्याल करें, क्योंकि उन्होंने भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को जितवाया है और पूरी दुनिया ने इस इलेक्शन को सड़ा है। जहां तक आपका सवाल है जेआईटी के हवाले से, देखिए जेआईटी के हवाले से मुसलसल 7 दिन के बाद एक बड़ा तवील एक इंतजार था पूरी कौम को और फुल सारू जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हुई है। और मैं समझ रहा हूँ जो आज जेआईटी का जो मोर्चा, जो अभी तक तो फुल रिपोर्ट नहीं आई, पब्लिक नहीं हुई, या जिस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं या इनसाइड स्टोरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन अब सामने आ गई है और उसमें उसका पूरा खानदान जो इन्वॉल्व हो गया है और उन्होंने शायद बुरी तरह से अपने दिफा में कोई ऐसा मौकफ या ऐसा मजबूत नहीं। सेनेटर साहब, आपकी बात बिल्कुल, वो आपका मौकफ वही मैं कह रही हूँ कि मेरा अर्थ भी यही है कि आपका ये मौकफ हर जगह नजर आता है, लेकिन ईसीपी में भी जो इमरान खान साहब का केस जेरे गौर है, जेरे समाप्त है, दो केसेज है वहाँ पे, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्यों प्रेशर बिल्ड नहीं करती है? आपके सारे पाकिस्तान
مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بابو سرفراز جتوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ میاں صاحب کے جیسا جو کراچی کا دورہ ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ضرور جا رہے ہیں کراچی کے لیے، جس میں ہیلتھ کارڈ بھی ہے اور مختلف پروجیکٹ بھی ہیں، اور کراچی کے لیے بتایا کہ ایک طرح کی دوسری کے لیے جا رہے ہیں، ان میں ان شاء اللہ ان کی رائے شامل ہوگی اور ان شاء اللہ ان کا یہ فیصلہ بہت وقت پر اور کراچی اور پاکستان کے اور سن کے مفاد سے یہ فیصلہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، یور ون سیکنڈ ویلکم۔ پاکستان زندہ باد، امریکہ زندہ باد۔ میں بہار کے لیے سبھی تمام لوگوں کو جو کہ ہم آ رہے ہیں باقی سرکار کے کوئی نہ ہو جائیں گے، آپ لوگ تمام لوگ جو جوائن کیے آ رہے ہیں، جن جن لوگوں نے جوائن کیا ہے۔ نسیم، آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ افراد نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، اس موقع پر مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بابو سرفراز جتوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اس شمولیت پر۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، پتیاں ان پر نچھاور کی جا رہی ہیں، کہ یقیناً یہ افراد جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سرمایہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بابو سرفراز جتوئی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے افراد کو خوش آمدید کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترقی کا یہ سفر ان افراد کی شمولیت کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ یہ تھی ہفتے کی پی ٹی وی تازہ ترین، مزید نیوز اور اپڈیٹس لے رہیے ہمارے ساتھ۔ عمل دخل ہے فرسٹلی، اور سیکنڈلی جو ایس سی سی پی کے چیف کے متعلق جو ابھی صدیق الفاروق نے بھی بتایا کہ وہ بھی بڑے واضح قسم کے آبزرویشن سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام الزامات کا اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ سے یہ ایس سی سی پی کی بات کر لوں۔ جی پلیز، ہم نے زندگی بھر جو نوکری کرتے ہیں، گورنمنٹ کی نوکری بھی کی، باہر بھی کی، یوروپ میں بھی کی، جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر قانونی حکم پر عمل کرتا ہے تو سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے، اپنی ذات میں مجرم، وہ تو مجرم نہیں، میں اس نے ریاست کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو سب سے پہلے ایکشن ہونا چاہیے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ کیا ہے، میں تو آپ کو اصول بتا رہا ہوں، اور جو آدمی نے غلط کام کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میرے افسر نے مجھے یہ تحریری حکم دیا تھا۔ اگر یہ اصول اگر آپ نے توڑ دیا تو آئندہ جو بھی آدمی جرم کرے گا وہ کہے گا جی میرے افسر نے کہا تھا، اب وہ افسر کہاں سے اپنی صفائی پیش کر۔ میں پھر کہہ دوں کہ میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی ہے، میں اصول بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اتنی نوکری کر کے 1900 پہ یا 18 پر پہنچا تھا، وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تھا، تو اس کے باس نے کہا کہ پرانی تاریخ میں کر دو اور اس نے کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر کہا بھی تھا تو اس کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتے جناب آپ مجھے یہ کام کے لیے کہہ رہے ہیں، مہربانی کر کے مجھے تحریری دے دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر تحریری بھی دے پھر بھی اس کو نہ کہنا چاہیے تھا، قانون ہے، غیر قانونی احکامات پر عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے جو نوکری جب کرتے تھے گورنمنٹ کے بینکوں میں کرتے تھے تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ میں کوئی قانونی کام بھی آپ کو کہوں کرنے کے لیے تو میں آپ کو 24 گھنٹے میں لیٹر بھیجوں گا ورنہ آپ بھیج دیں۔ تو میں اس بات کو اس کیس سے قطع نظر، یہ کیس میں نے نہیں دیکھا، لیکن کسی آدمی کو اگر یہ کہا کہ میں نے اپنے باس کے کہنے سے یہ قانونی کام کیا ہے تو اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے یا اس نے اس کی آواز ریکارڈ نہیں کر لی تو میرے خیال سے تو بہت سارے سوالات پینڈوراس باکس کھل جائے گا۔ وہی آپ کا والا آرگیومنٹ کہ اگر ایک بندہ ایک آفیسر سرکاری آفیسر اس گریڈ تک پہنچا ہے تو اس میں وہ بھی اتنا باصلاحیت ہے، باعقل ہے کہ وہ اس میں جسٹیفائی کرتا ہے؟ صلاحیت کا تو مجھے نہیں پتا، مگر اتنی کامن سینس تو ہے، کامن سینس، یہ بالکل غلط کام کو کہہ رہا ہے، اس کے لیے سرکاری افسر بھی ہونے کی ضرورت ہے، یہ تو بالکل ناقابل قبول بات ہے۔ اب مجھے جو خطرہ ہے یہ کہ ہر آدمی کہے گا جی میں نے جو چوری کی اپنے افسر کے کہنے سے کی تھی، ارے بھائی کیسے کر دی آپ نے، انلیگل آرڈرز کے آپ ریاست کے ملازم ہیں، تو یہ تو بڑی سنگین بات ہے۔ اب آپ نے روپے کی قدر کا پوچھا، دیکھیے بات یہ تھی، یہ پورا معاملہ بہت پر اثرار ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک بورڈ ہے مانیٹری اینڈ فسکل کوآرڈینیشن بورڈ، ان کو اس کو کم از کم ٹیلی فون پر کانفیڈینس میں لینا چاہیے تھا۔ بات یہ تھی کہ 4 جولائی کو جب انٹر بینک ریٹ کا ریٹ تھا 104.90 روپے، 5 جولائی کو سڈنلی 108.25 روپے ہو گیا، کسی نے سٹے بازی کی اور منافع کمایا بہت سے لوگوں نے۔
हमारे स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर के डिपॉजिट थे रिजर्व, और स्टेट बैंक अगर इसमें से 200-150 अरब भी 150 मिलियन डॉलर भी अगर मार्केट में इंटरवीन करता जो अब तक करता रहा था राइट, तो ये नहीं होता। स्टेट बैंक ने सडनली इंटरवीन क्यों नहीं किया, ये एक ऐसा पुरअसरार सवाल है जिसका जवाब जो उन्होंने तहकीकात की बात की है उसमें ये आना चाहिए कि आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया, आप 100 मिलियन डॉलर लगा देते इंटरव्यू, और इससे पहले कई साल से स्टेट बैंक इंटरवीन कर रहा था। ये मैं मानता हूं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो 11 अरब डॉलर से बढ़ गया था, अब हालात परेशान कुन थे, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में तो ले वजारत खजाना को और ये इंटरवीन तो करें, वो नहीं किया, एक तो ये सवाल है। मगर जो एतमाद का बहरान पैदा हुआ वो ये हुआ कि 5 जुलाई को स्टेट बैंक ने एक प्रेस रिलीज इशू किया जो कि स्टेट बैंक का फर्ज वाहिद का नहीं है और वो उनकी वेबसाइट पर पड़ा है। उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो 108.25 रुपये की कदर हुई है ये माशी जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उससे हम मांग है राइट। तो अगर अब ये इसहाकदार साहब के बयान से वो 106.25 रुपये पर आ गया तो वहां मांग की कहां चली गई, पहले तो ये जवाब दे दें मुझे, वहां मांग नहीं है, वो उन्होंने गलत लिखा है स्टेट बैंक ने। दूसरा उनका कहना ये था कि इससे हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस का डेफिसिट का मसला है उसका तदारुक हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। अरे भाई 11 अरब डॉलर का इससे तदारुक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने लिखी है। तीसरी तो मेरा कहना ये था कि उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें इतनी लैक ऑफ मेच्योरिटी है और वो ये कहते हैं कि इससे हमारी मईशत की जो बेहतरी की तवक्कुआत है वो मुस्तहकम हो जाएगी। ये जो डिवेल्यूशन है ये एक सर्जरी है जिसमें जिस्म का एक हिस्सा काट के अलग कर दिया जाता है, इससे ये कहना कि ये मुस्तहकम हो जाएगा ये गलत है, इससे बरामदात को सिर्फ गिरने से रोका जाता है। राइट, राइट। तो मुझे इस पर पुरअसरारियत है और ये नहीं होना चाहिए था, और स्टेट बैंक जैसे इदारे को इस किस्म की गैर जिम्मेदारी करना, पहले इंटरव्यू न करना और लोगों को सट्टेबाजी में। लेकिन एक बात अगर मैं एक जुमले में आपको बता दूं कि 2008 में इसी तरह सट्टेबाजी हुई थी और मुशीर खजाना ने कहा था कि बैंकों ने गठजोड़ के किया और मेरे पास सबूत थे कि बैंकों ने कमाया, उसको दबा दिया। स्टेट बैंक ने 2013 की रिपोर्ट में लिखा है कि सट्टेबाजों ने हमला किया है, ये लिखा हुआ है, खुद स्टेट बैंक कहता रहा कि 2013 में सट्टेबाजों ने हमला किया, वही चीज आपको हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी बात से मैं इंटरप्रेट कर पाई हूँ कि इसमें एक्सपोर्टर्स लॉबी का भी एक किरदार है क्योंकि वो काफी अच्छे से एक्सपोर्टर्स लॉबी का नहीं है, वो तो हुकूमत ने उनको 180 रुपये का पैकेज दिया है, 180 अरब रुपये का, ये है सट्टेबाजों का और कुछ एक आध बैंक का और कुछ सट्टेबाजों का है जो कौमी जरूरत लूट के नाजायज फायदा उठा के मुल्क की मईशत की छुरा गुप्ते। लेकिन इंटरवेंशन दरकार थी, जैसे बिल्कुल दरकार थी, उनका नहीं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका काम है कि इस्तेमाल करें। 16 अरब डॉलर के डिपॉजिट पर रिजर्व पे बैठे हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त, उनको क्या क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया, वो कौम को जवाब देना पड़ेगा। और मैं इस तहकीकात का बड़ा खैर मकदम करता हूँ, ये तमाशा नहीं है, हमारे मुल्क की मईशत है। अगर रुपए की कदर जरूर गिराए, मैं नहीं कहता कि ना गिराए, जरूरत पड़ने पर गिराना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन उसका एक तरीकाकार है, आप वजारत को कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद बताएं कि हम गिराना चाहते हैं। दुनिया भर में गिरती है, जब पाकिस्तान बना था तो 3.30 रुपये का डॉलर था, ठीक है राइट, आज 108 पर आ गए तो गिरे तो है, लेकिन इस तरह नहीं, वो तो एक टाइम वैल्यू की बात की है। मैं पुरसरारियत में एक चीजें ऐड कर देता हूँ, एक दो बातें आप उस पर कमेंट कीजिएगा। ये जो रुपए की कदर में कमी हुई उससे एक हफ्ता पहले दो खबरें आई थी सोशल मीडिया पे। पहली खबर ये थी कि अमेरिकन ने पाकिस्तान के साथ जो है वो काफी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है, कांग्रेस में बिल मूव हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो हकानी नेटवर्क के लिए डू मोर कहा जा रहा है, और IMF ने अमेरिका का मूड देखते हुए इसहाकदार साहब से कहा है कि शरायत अब मजीद होंगी। उन शरायत के नतीजे में कहा गया कि या तो अब ये हुकूमत चली जाएगी नवाशी साहब की, और अगर हुकूमत नहीं जाएगी तो ये डॉलर 140 रुपये तक जाएगा। ये बातें एक हफ्ते पहले तक सोशल मीडिया पे आई और उसके बाद हमने देखा कि अचानक जो है वो डॉलर 108 रुपये तक आ गया। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ इंटरनली नहीं डिस्कस हो रही, ये इंटरनेशनली एक्सटर्नली कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के ऊपर एक लॉबी है जो प्रेशराइज कर रही है और कोई ना कोई प्लेयर उनके हैं। वो जो कठपुतलियों की बात वजीराजम की थी वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकल कठपुतलियां जो है यहीं पे कोई हैंडल कर रहा है, वो इंटरनेशनली भी हैंडल हो सकती है। इन सारी चीजों को प्रोब होना चाहिए, अगर तहकीकात कर रहे हैं सागर साहब बहुत अच्छा है, इसको भी पब्लिक करना चाहिए। वो नहीं इस टॉपिक में इस बात को डॉलर पे कर रहे हैं वो, लेकिन सब्सटेंशिएट कर दूं। देखिए कौम को पता होना चाहिए, इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं वो ये चाहती है कि जो दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है उसमें डूमोर करके पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ उनसे फैसले कराए जाए। उसका वाहिद तरीका यह है कि हुकूमत को कमजोर कर दिया, प्रेशराइज किया जाए, कमजोर कर दिया जाए। और कमजोर प्रेशराइज तो नहीं करते, हमारी हुकूमत जब खुदा ना खास्ता अगर कमजोर होती है तो वो डिक्टेशन देके दहशतगर्दी की जंग में वो फैसले कर सकती है जो पाकिस्तान की सलामती के मुफाद में नहीं है। तो दुनिया का जो पाकिस्तान दुश्मन इस्तेमारी ताकतें हैं जो हमारी इस दहशतगर्दी जंग में हमारे ऊपर डिक्टेशन कर रहे हैं डू मोर,
उनकी साजिश है हकूमत को कमजोर किया जाए ताकि उससे मनपसंद फैसले कराए जाए। हम इसलिए इसको खिलाफ है कि हम हकूमत को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी दहशतगर्दी जंग में हमने बहुत कर लिया, अब कुर्बानी दूसरे दिन हम नहीं देंगे। तो यानी ये ताने बाने इंटरनल सिचुएशन से भी, सदीक और फारूक साहब आपने सुना है यहाँ पर जो गुफ्तगु जारी थी, इंटरनल सिचुएशन से भी इस बात का ताल्लुक है जो रुपी डिवैल्यू हुआ है इसका, और साथ साथ एक्सटर्नल भी कुछ फोर्सेज हैं जिसकी तरफ इशारा किया गया है गुफ्तगु के दौरान। आप समझते हैं ये अब तमाम कोई नेक्सस बना रहे हैं और पाकिस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उनके खिलाफ या उनको वीकेंड करने की, जैसे अभी डॉक्टर शायद साहब ने फरमाया कि वहां पर एक साजिश नजर आती है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल नेक्सस क्या हुकूमत प्रोब करेगी, और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आपको करना चाहिए प्रोब। दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी ये बात कह दी गई है कि कतरी प्रिंस के स्टेटमेंट के बगैर ये जो जेआईटी रिपोर्ट है ये नाकाबिले कबूल होगी, अगर फैसला सर आपके हक में आता है तब भी आप इसको नाकाबिले कबूल कहेंगे, इन दो बातों पे प्लीज रोशनी डालिएगा। देखिए पहली बात तो बहुत दिनों के बाद मैंने डॉक्टर शाहिद साहब को सुना और बड़ी बुनियादी बातें उन्होंने की। देखिए जिस आदमी ने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतर बनाए उसको निकलवा दिया गया, इस पाकिस्तान में एटम बम बनाने वाले को फांसी दे दी गई, ये साजिश थी, इस पाकिस्तान में एटमी धमाके करने वाले को जलावतन कर दिया गया, इस पाकिस्तान में 1990 में ओपन मार्केट इकोनॉमी का दरवाजा खोलने वाले को 1994 में सजा दिलवा दी गई, आज जिस जफरुल हक इजाजी ने सी अपना ये इसके जरिए स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर बनाया SECP के जरिए बहुत तो बड़े बड़े इकदाम करके इस शोबे को इतना बेहतर इतना मजबूत किया कि दुश्मनों के कान खड़े हो गए, उसको सजा दिलवाने की कोशिश हो रही है। तो इसमें को और जो अपना शाहिद साहब ने फरमाया कि हुकूमत को कमजोर बिलाशुबा, जब हुकूमतें कमजोर होती हैं मुल्क दुश्मन अनासर मजबूत होते हैं, दहशतगर्द मजबूत होते हैं, टैक्स क्योर मजबूत होते हैं, काला काम करने वाले मजबूत होते हैं और कौम और मुल्क को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब तो अपनी जगह, असल में ये जो इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे थे, ये जो सी पैक के जरिए हम 52 कंट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की तन्हाई दूर हो रही है, मजमूई तौर पर इस सब के खिलाफ साजिश और ये पाकिस्तानी कौम के खिलाफ साजिश है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर से मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें मैं बिल्कुल कहता हूं कि जेआईटी भी एक मोहरा। और ये बात जो कही है डॉक्टर शाहिद साहब ने कि एक ग्रेड 20 का ऑफिसर या ग्रेड 20 की ऑफिसर, उस वक्त आपका दिमाग कहां था? मैंने तो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, मुझे ये मालूम है कि उनसे ये बात डलवाई गई है, साजिश हुई है कि प्रेशर। मैं भी एक इदारे को चलाता हूं और लोग भी इदारे को चलाते हैं, अगर वो ये कहें कि आप इस काम को मुकम्मल करो और खत्म करो तो इसमें कौन सा दबाव है और आपने क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए अगर FIR हुई है या होनी है तो उसमें उस 70 के खिलाफ भी हो जिसने, अगर वो गैर कानूनी काम था तो उसने वो हुक्म माना है, वो इनकार करके चली जाती, वो छुट्टी ले लेती, वो कहती मैंने नहीं करना, या मर्द होता तो मैंने नहीं करना, सारे काम करते रहो मीठा मीठा हाथ आप और कड़वा कड़वा उस पर डाल दो कि नहीं जी तो उसने किया है, और जेआईटी कहे नहीं उस पर ही। वो बड़े अरसों से बड़ा एक अरसा हो गया है कि जफरुल हक इजाजी के खिलाफ एक माफिया काम कर रहा है, उस माफिया के काले धंधे उन्होंने खत्म किए और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो मजबूत किया। तो हमें कौम को भी और शायद साहब ने जिस तरह कहा और बाकी लोगों को भी ये देखना है कि इन इकदाम से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है या पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, यहां से करप्शन खत्म हो रही है या करप्शन बढ़ रही है, करप्शन के खात्मे का नारा जो लेके बंदा चला है KPK में उसकी हुकूमत है उसने वहां कितनी करप्शन खत्म की है, वहां उसका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, उसके खिलाफ उसकी अपनी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, उसने 4.25 साल में कोई एक बड़ा मंसूबा बनाया है, वहां 100 स्मार्ट स्कूल कहा वो स्मार्ट स्कूल कायम किए हैं, वहां अस्पताल ठीक हुए हैं, करप्ट लोगों को पकड़ा है, उसका तो दावा था मैं 9 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, वही जो बात है कि अपने सुबह में रोल मॉडल करना, वही बात आप भी कर रहे हैं। मुझे इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि ये सब साजिशें
मुझे इसका जवाब दे दें सिद्दीक साहब, आपकी इजाजत से जो बात की जा रही है हुकूमती मौकफ भी है, कतरी शहजादे के स्टेटमेंट के बगैर ये जेआईटी रिपोर्ट नामुकम्मल है, इनकंक्लूसिव है और स्टिल बॉर्न है, जो हुकूमती मौकफ इस वक्त आ रहा है इस हवाले से, अगर वो आपके हक में भी आता है तो आपने ऑलरेडी उसको अगर रिफ्यूट कर दिया है। मैं ये समझता हूँ जी, हमारे वज़रा ने ये बात की है, जेआईटी वालों ने भी कहा है कि दसवें वॉल्यूम को जो आप पब्लिक न करें, इससे तफ्तीश मजीद आगे बढ़ सकती है। हम बिल्कुल ये कहेंगे और कहते हैं। ठीक है मैंने भी कहा था कि एक जज साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, हम तो इस रिपोर्ट पर रखेंगे। सेनेटर शिबली फराज साहब इस वक्त फोन लाइन पर हैं, तो इस वक्त आके पीटीआई का भी इस मौके से पूरी बात में आ जाए, जो कि की पिटिशनर है इस पूरे केस में, खासतौर पर पैनामा को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर शिबली फराज साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर, शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इस मौजू पे यकीनन एक पैनामा जेआईटी, इसके ऊपर हमने देखा है कि इसकी समाअत अगले सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है, 7 दिन का टाइम। पीटीआई की हिकमत अमली एक इस पर भी रोशनी डालिएगा, और सेकेंडली ईसीपी में क्यों अभी तक पीटीआई चीफ इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी दाय से तशवीश है? बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के 2 केसेज हैं, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्यों नजर आते हैं? पहले मेरा ख्याल है मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब दे दूंगा। देखिए आज इत्तेफाक से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त उस पे था, जब हुई थी हमारी वहां पे प्रेजेंटेशन, हमारी जब हेयरिंग थी उसमें हमारे वकील डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, उन्होंने पूरी तफसील से केस को डिस्कस किया और कोर्ट ने जो है तो हमारी तारीख दे दी है, 16 तारीख दे दी है। तो ये कहना कि जी ये डबल स्टैंडर्ड है, ये तो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है भाई। हमने अपना केस को लड़ रहे हैं, जिस तरह के हमने माजी में कभी भी हम न किसी अदालत से वो हुआ है, बिकॉज हमारा तो अल्लाह ताला के फजल से हमारा लीडर भी, उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी का मसला नहीं है, और ना कोई हमारी पार्टी कभी भी ऐसी हुकूमत में रही है, और न कोई ऐसे हमारे पे इल्जाम थे। ये तो जो केस चल रहा है ये तो उसको हम परसू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी सेटल हो जाएगा। किसी को अगर जेआईटी बनानी है तो भी भले बना दे, बट इशू ये नहीं है, इशू इससे बड़ा इशू है। बड़ा इशू ये है कि हमने ये देखा है कि जो आज एक पाकिस्तान में एक, अगर आप देखें तो ये एक नए मोड़ का आगाज हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है कि काश इस मुल्क में शुरू से इस मुल्क के बनते ही ऐसी स्ट्रांग ऑपोजिशन होती तो आज हमारे हालात टोटली मुख्तलिफ होते, आज हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क होते, न कि एक मुसलसल एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते। तो बात यह है कि ये जो आज जेआईटी का जो रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई है और उसके हिस्से शामिल हो रहे हैं, जो शाया हो रहे हैं, उससे तो जाहिर यही होता है कि ये सब कुछ साबित हो गया है जो पीटीआई कह रही थी कि इस मुल्क को बुरी तरह से लूटा गया, इस मुल्क के असासे बाहर ट्रांसफर किए गए, जाती मफाद के लिए अपनी जो है मानव दौलत। सेनेटर शिबली फराज साहब, सॉरी वक्त क्योंकि मुख्तसर है, आपसे जो जरूरी बात है वो पूछ लूं लास्टली, आप कोर्ट के फैसले को मानेंगे? जी हम तो कोर्ट के फैसले हम तो लेके गए हैं, हम तो कैसे नहीं मानेंगे। ये तो असल चीज तो ये है कि हुकूमत माने, जो कि लगता है कि ये लोग नहीं मानेंगे। यही हम पता करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेरोगेटिव। सिद्दीक साहब, पीटीआई की तरफ से सेनेटर शिबली फराज का ये मौका सामने आया है कि वो मानेंगे इसी फैसले को जो भी कंक्लूड करती है अदालत उज़्मा, आपकी तरफ से भी क्या यही मौकफ है? देखिए हम अपने ऑब्जेक्शन सामने रखते चले जाएंगे। अभी इस रिपोर्ट पर जो इस पे ऑब्जेक्शन हमने अदालत के सामने रिपोर्ट जमा करानी है, फिर उस ऑब्जेक्शन पर पीटीआई और दूसरी पार्टियां ऑब्जेक्शन देंगी, फिर इस के जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है फिर वो अदालत में आएंगे, उन पर जिरह होगी, फिर उसकी रोशनी में जब फैसला होगा तो फिर जाहिर है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन ये जब उन्होंने जफरुल हक एजाजी के खिलाफ कहा एफआईआर काटे, तो इसी तरह से अगर कोई सूरत ऐसी बनती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला नहीं सुनाना, मुतल्लिका अदालत जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनमें ये केस जाएगा अगर इस काबिल हुआ।
राइट ठीक है, वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद थे। और हमने बात ये करने की कोशिश की कि इसका बैकग्राउंड, इस पूरे केस के ताने बाने कहां पर आके मिलते हैं, एक परसेप्शन और हकायक में जो डिफरेंस है या तजाद है उसको भी दूर करने का हमारा मकसद था। कैसा लगा डिस्कशन? सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है वहां अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद थे, डॉक्टर सालिक मजीद, मिस्टर सालिक मजीद ने हमारा साथ दिया था कराची स्टूडियो से, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमारा साथ दिया था, फोन लाइन पर हमने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौकफ जाना सेनेटर डॉक्टर कयूम सुमरो से और पीटीआई का मौकफ जाना सेनेटर शिबली फराज से, उनका भी बहुत शुक्रिया हमें ग्रेस करने के लिए। क्या इस पूरी बात का, इस पूरे मकसद और इस तमाम गहमा गहमी का मकसद जो कि तमाम फोकस को डाइवर्ट करके हमारे नेशनल कॉजेज से एक सियासी और ब्लेम गेम की तरफ ले जा रहा है, क्या वाकई उसका हकीकी मायनों में जो ऑब्जेक्टिव है वो एहतसाब है? इसके ऊपर यकीनन हमें गौर करना चाहिए, और अगर उसका मकसद एहतसाब है तो लेजिस्लेशन की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।